हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एडवेंचर। आई एम शौकीन खान। तो आज हम बात करते हैं कि किसी अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। एक अच्छा टीचर पूरी जनरेशन को चेंज कर सकता है, वेयर एज अ बैड टीचर कैन डिस्ट्रॉय अ जनरेशन टू। तो वो क्या क्वालिटीज है? वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो हमें पता होती है, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सारी चीजें तो टीचर के अंदर होनी चाहिए। बट मैं बात करना चाहता हूँ कुछ प्रैक्टिकल बातों की जो मैंने एज अ स्टूडेंट भी फील की है और इस प्रोफेशन में आने के बाद भी देखी है। तो मैं ऐसे आपको तीन प्रॉब्लम्स बताऊंगा, अगर टीचर्स अपने अंदर से उन चीजों को रिमूव कर दे तो वैसे ही वो एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। तो पहली चीज मैंने जो टीचर्स में देखा है वो है ईगो प्रॉब्लम। कैसे? किसी बच्चे ने अगर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा बुक से हटके अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, वो टीचर को वो आता नहीं था, तो आप क्या करेंगे? काट के उसको जीरो घुमा देंगे और उस बच्चे को डांट और देंगे ताकि वो आगे से कुछ क्रिएटिव ट्राई करेगा ही नहीं, कुछ डिफरेंट ट्राई करेगा ही नहीं। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, टीचर्स को लगता है कि बच्चों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि ये तो टीचर्स को आता नहीं था। मैं आपको बता दूं, टीचिंग एंड लर्निंग दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं। हर टीचर पढ़ाते पढ़ाते सीखता है, मैंने भी सीखा है, जितने भी ग्रेट टीचर्स हैं सबने पढ़ाते पढ़ाते सीखा है। और आप इन बच्चों को कुछ सिखाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हैं, जबकि ये बच्चे आपको कितना कुछ सिखा जाते हैं, सबको पता है। दूसरी चीज देखिए, कर्मा कैसे काम करता है। मैंने अक्सर टीचर्स में एक चीज देखी है कि जिस स्कूल में ये पढ़ाते हैं उसे तो ये कुछ नहीं समझते, और जिस स्कूल में इनके बच्चे, इनके छोटे भाई बहन, इनके रिलेटिव पढ़ते हैं वो स्कूल शायद कहीं स्वर्ग से आया होता है। यहां ये कुछ नहीं पढ़ाएंगे और वहां ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इनके बच्चों को कोई वहां IAS बना दे। अरे मेरे प्यारो, वो भी आप ही जैसे हैं, जैसा आप यहाँ इनके साथ करोगे वैसा वो वहां आपके बच्चों के साथ कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। अगर आप यहाँ किसी के बच्चों को अपना समझ के पढ़ाएंगे तो वहां कोई आपके बच्चों को अपना समझ के पढ़ा रहा होगा। तीसरी चीज, इनसे भी अच्छे वाले टीचर्स आते हैं जो सोचते हैं कि स्कूल में तो बच्चों को कुछ ना पढ़ाया जाए, बस किसी तरह ये बच्चे सारे उनके ट्यूशन में आ जाए, वहां इनको थोड़ा बहुत पढ़ा के या क्वेश्चन पेपर बता के मामला निपटा लेंगे। सुनिए ध्यान से, अगर आपने किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर बताया, जो बच्चा कहीं 100 क्वेश्चंस तैयार कर सकता था, आपने उसे 10 क्वेश्चन में निपटा दिया, उसकी लर्निंग डिजायर ही खत्म कर दी, उसकी लर्निंग डिजायर खत्म कर दी। हो सकता है ये बच्चा फ्यूचर में जाके IAS बनता। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, ये बच्चा अगर IAS बनता, आपने उसको LDC पे निपटा दिया, उसकी लर्निंग डिजायर को आपने खत्म कर दिया। प्लीज ऐसा मत करिए। ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई मना नहीं करता, आप ट्यूशन पढ़ाइए, सब पढ़ाते हैं, लेकिन आप स्कूल में भी और ट्यूशन में भी अपना 100% दीजिए। प्लीज आप ट्यूशन में भी और स्कूल में भी अपना 100% दीजिए। एक अच्छा टीचर दिमाग के साथ साथ दिल से भी पढ़ाता है, वो बच्चों को अपना समझ के पढ़ाता है, वो बच्चों को कुछ बनाने के लिए पढ़ाता है। तो मैं अगली वीडियो में आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आपकी टीचिंग स्किल को और भी इम्प्रूव कर देगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड प्लीज प्लीज कीप स्माइलिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।